गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर आप लोग डॉग ट्रेनिंग है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा डॉग ये बैठा हुआ है जिसका नाम गोपू है, बहुत ही प्यारा डॉग है और ये सारी हरकतें सारी एक्शन पर रिएक्ट करेगा जितनी चीज़ें मैंने अब तक इसको सिखाई है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप अपने डॉग को इस तरीके से ट्रेन करें तो बहुत ईजी और बहुत ही आसान है। तो पहली चीज़ आपके पास उसको ट्रीट देने के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो उसको बहुत पसंद हो, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जैसे कि अभी आप लोग देखेंगे मेरे पास इस समय हाथों में कोई ट्रीट नहीं है, लेकिन मैंने ट्रीट रखा है बगल में और इसको मैं अभी जंप कहने का आदेश दूंगा तो ये जंप करेगा। गोपू जंप, गुड बॉय। तो इस तरीके से उसको हैप्पीनेस फील कराइए, इस तरीके से वो हैप्पी होगा तो उसको कुछ ट्रीट दीजिए। जैसे मेरे पास ट्रीट में इस समय इसके लिए पेडिग्री है और ये पेडिग्री खा रहा है, इस तरीके से ये ट्रीट कर रहा है। और दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, गोपू कम, गुड बॉय, गोपू सिट डाउन, गोपू बैठ जाओ, देखिए बैठ चुका है। हेलो गोपू, गुड बॉय, हाई फाइव, गुड जंप, गुड सिट डाउन। तो इसको आप ट्रीट दे दीजिए, इतनी चीज़ें कर ले तो उसको ट्रीट दीजिए। ये भी खुश रहेगा, ट्रीट लेने पे खुश हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आप अपने दोस्त को डॉग को शेक हैंड करना सिखाना चाहते हैं तो आप कोई चीज़ हाथ में रखिए ट्रीट के तौर पे और उसको कुछ तो अगर आप अपने डॉग को शेक हैंड करना सिखाना चाहते हैं उसके लिए आपको अपने हाथ में ट्रीट रखनी पड़ेगी। गोपू और उसको बुलाइए, देखिए आपके पास सुनता है ट्रीट देख के। गोपू कम, गुड बॉय, नो सिट डाउन, बैठ जाओ, गुड बॉय। और आप अपने हाथ में ट्रीट लीजिए और इस तरीके से उसको पकड़ लीजिए और देखिए, नो गोपू हेलो, वो ट्रीट आपको दो तीन बार पहले मना करेगा और उस तरीके से वो ट्रीट नहीं मतलब नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब वो आप थोड़ी देर वेट करिए और रिएक्ट जब तक हाथ से ना करे तब तक आप उसको ना दीजिए। देखिए कितना प्यारा मतलब हरकतें कर रहा है, एक्टिव है बहुत ज़्यादा। नो अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग उसको हेलो करना सिखा सकते हैं और हाई फाई करने के लिए भी आप अपने हाथ में ट्रीट रखिए, इस तरीके से पकड़ लीजिए और हाई फाई करने के लिए आप अपने डॉग को इस तरीके से करेंगे तो वो हाई फाई करेगा। देखिए हाँ, लेने के लिए हाई फाई करेगा और आप उसको कमांड दीजिए, हाई फाई की कमांड देंगे तो वो हाई फाई करना सीख जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये दो चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आप सिखा सकते हैं और अगले सेशन में हम लोग सिखाएंगे कि किस तरीके से अपने डॉग को अपने नंबर्स काउंट करने पर ही बात करना सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।